उत्तराखंड राज्य की हिंदू और मुस्लिम आबादी कितनी है? तो उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि और वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। इस राज्य में भारत का सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल देखने को मिलता है। उत्तराखंड का हर एक जिला अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। दोस्तों, उत्तराखंड में काफी पुराने मंदिर है। विशेष तौर पर यह राज्य शिव भक्तों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। और तो उत्तराखंड में पूरे साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, उत्तराखंड 7 नवंबर 2000 को भारत का 7वां राज्य बना। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था और साल 2007 तक उत्तराखंड को उत्तराचल नाम से जाना जाता था। इस राज्य की सीमा पूर्व में नेपाल, पश्चिम उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर हरिद्वार है, तो वहीं पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इस राज्य में कुल 17 जिले आते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का यह 19वां सबसे बड़ा राज्य आता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा संस्कृत है। इसके अलावा इस राज्य में अन्य भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर 79.6% है, जबकि कुछ वेबसाइट के मुताबिक उत्तराखंड के मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 1,22,25,000 इतनी है। दोस्तों, उत्तराखंड में कुछ प्राचीन मंदिरें, योग विद्यालय और वन्य जीव बेहद ही मशहूर है। यह हिमाचल भूमि लंबे समय से दुनिया भर के पर्यटकों को काफी आकर्षित करती रहती है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकलती हैं। उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है और महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। इस राज्य में भारी संख्या से तीर्थ यात्री आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे कई सारे धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। भारत का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत नंदा देवी उत्तराखंड में मौजूद है। दोस्तों, भारत का सबसे पहला कृषि विद्यालय उत्तराखंड में ही था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में होली, दशहरा, दिवाली, वसंत पंचमी, संक्रांति और रक्षाबंधन जैसे कई त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। जबकि दोस्तों, उत्तराखंड की GDP 2,78,00,000 करोड़ इतनी है। इस राज्य की गिनती भारत के समृद्ध राज्य में की जाती है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के भागीरथी पर बना तिहरी डैम 260 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्रमुख डैम है। इस राज्य की बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन होता है, जिसके जरिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को यहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है। सेब के उत्पादन में यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की हिंदू और मुस्लिम आबादी के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहें। और दोस्तों, अपने भारत देश में मुस्लिम आबादी कितने करोड़ है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा समय में उत्तराखंड की जनसंख्या 1,22,25,000 इतनी है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म आता है। यहाँ पर हिंदू धर्म की आबादी 1,14,07,000 इतनी है, जो उत्तराखंड का 82.97% आता है। जबकि उत्तराखंड की मुस्लिम आबादी 17,05,900 इतनी है, जो उत्तराखंड का 13.95% आता है। जबकि सिख आबादी 2,86,200 इतनी है, जो उत्तराखंड का 2.34% आता है। और ईसाई आबादी 45,900 इतनी है, जो उत्तराखंड का 0.37% आता है। और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की आबादी उत्तराखंड में 45,200 इतनी है, जो उत्तराखंड का 0.37% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म आता है, जो उत्तराखंड का 13.95% इतना है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, जनसंख्या का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हर दिन घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ वेबसाइट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य की हिंदू और मुस्लिम आबादी के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, अपने भारत देश में कौन सा धर्म तेजी से फैल रहा है, उस धर्म का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।